बाबा का तो पार्टी है सबके गुण देखने का। ये पॉइंट कहाँ से निकाला कि परचिंतन करने से आग फेल होता है, पतन होता है? हाँ जी, चर्ची व कला वाले का चिंतन करना चाहिए ना। पर चिंतन पर तो माया है, पांच विकार है, पांच तत्व पर है। वो पांच तत्व तो जड़त्वमय है, और जड़त्व का चिंतन करेंगे तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे। चैतन्य का चिंतन करना चाहिए। उसकी सरस्वती तो चिंता बेटी है, जिनका पुण्य है उसकी और सरस्वती कार्तिक पुण्य, तो ब्रह्मा का बेटी कैसे है? ये तो बिंदु है, बिंदु की कन्याएं नहीं होती हैं। शास्त्रों में जो है वो शिव की कन्या नहीं है, वो ब्रह्मा की कन्या है, ब्रह्मा की बेटी है शास्त्रों। हमको अब पता चला है शिव ज्योति बिंदु का नाम है, और ज्योति बिंदु के बच्चे ही बच्चे होते हैं, बच्ची कोई होती नहीं है। हाँ, शिव जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो सरस्वती बच्ची कही जाती है। और ब्रह्मा तो उल्लंघन है, तो ब्रह्मा बाबा हॉस्पिटल हुआ है ब्रह्मा बाबा का, तो इसमें उल्लंघन समय कोई तकलीफ नहीं हुई, बड़े आराम से शरीर छोड़ दिया। उनको जब साक्षात्कार हुए विनाश के तो रोने लगे। तो ऐसी आत्मा विनाश का मुकाबला कर सकेगी? उनके लिए कल्याण हुआ या कल्याण हुआ? कल्याण हुआ। अभी सनातन धर्म का आत्मा का टोटल क्षमता कितना है? टोटल जो अभी तक भी उतर रही है 33 करोड़, तो जो अभी उतर रही है उसका फायदा क्या है? स्वामी रामदेव है, वो प्राणायाम सिखाते हैं, आसन सिखाते हैं और प्रक्रियाएं सिखाते हैं। ये प्रक्रियाएं तो पहले से भी होती चली आई, नई बात तो कोई नहीं सिखा रहे, लेकिन उन प्रक्रियाओं में वो पारंगत है। नई आत्मा ऐसी उतरी हुई है जो उन बातों में सबसे सीखी है। तो अभी अभी जो उतर रही है वो अपना सुख नहीं भोगती है क्या? जो भी नई आत्मा उतर रही है वो अपना अपना हिस्सा आकर के दे रही है जीवन मुक्ति का, पहले जन्म ये उनका फायदा है। किसके कारण उनका जन्म का संख्या कम हो गया? किसके कारण उनका जन्म का संख्या कम हो गया? ध्यान नहीं दिया है, जन्म कम हो गए। यहाँ भी तो ऐसे ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते।
एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे छोड़ो देवताओं नहीं है, एक ही होगा, एक दो भी हो सकते हैं। जो भी मान मर्तबा इस दुनिया का भोग रहे हैं और देवी देवता सनातन धर्म की परिक्रियाओं की बातें करते हैं, वो सब देवी देवता सनातन धर्म के आ गए ना पिछाड़ी में। अब आएंगे कब? बाबा के सम्मुख आएंगे, ज्ञान में बाबा की। वो लड़ाई लड़ेंगे अभी के अभी अभी आ जाएंगे। अज्ञान से, अपने अज्ञान से लड़ाई लड़ेंगे, बाबा से क्या लड़ेंगे? लेकिन काली में क्या कृति है जो उसको इतना पूजा पाते हैं? उनकी पवित्रता दिखावे की होती है, और कोई की पवित्रता दिखावे की नहीं होती है, जो अंदर तो बाहर, लेकिन मन की एकाग्रता होती है। जैसे शंकर को चित्रों में क्या दिखाया है? चित्रों में दिखाई दिया है, विष पीते थे, विष पीते हुए दिखाया गया ना चित्र, लेकिन अंदर से ध्यान किसका था? है? अंदर से जो ध्यान मग्न स्टेज है वो कौन सी थी? एक थे वो बाप की याद। तो जैसे महाकाल का रूप है वैसे ही महाकाली का भी रूप है। महाकाल के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, तो महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाते हैं। बाहर से देखने में आता है शंकर की छाती पर पांव रखती है, लेकिन पुराने चित्रों को ध्यान से देखा जाए तो मस्तक पर शिव बैठा हुआ है। और शास्त्र में कोई कोई जगह पर कृष्ण और काली को एक साथ दिखाया गया है, कभी कभी कृष्ण कभी कभी काली। अभी क्या है? अभी क्या देख रहे हैं ज्ञान में? अभी कृष्ण की और कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा किसके साथ है? है? अरे कृष्ण की आत्मा ने स्थापना के टाइम में बच्चों का इतना सहन किया और बच्चों ने उनको इतना सहन कराया तो उनका हाथ फेल हो गया। उन्होंने कभी बच्चों से बदले की भावना नहीं रखी, मरते मरते शरीर छोड़ते छोड़ते जड़ी छोड़ दी। तो ये हिसाब किताब सब पूरा होगा उस आत्मा का, पूरा होना है या नहीं होना है? होना है। तो वही आत्मा फिर विकराल रूप धारण करती है। शंकर के द्वारा तो विनाश गाया हुआ है, शंकर करता थोड़ी है। इसलिए शक्तियों के द्वारा संहार का कार्य संपन्न होता है। और भैंस को पेट से कृष्णों का जन्म भी दिखाया है, भैंस के पेट से, भैंस के पेट से हाँ कृष्णों का जन्म दिखाया। दुर्गा दुर्गा पूजा में जो मूर्ति बनाते हैं और उसका गाय बुद्धि की जिसकी गौ बुद्धि होगी उसके पेट से असुरों का जन्म होगा। जो गाय की बुद्धि वाला होगा उससे अच्छे बच्चे पैदा होंगे या भैंस बुद्धि पैदा होंगे? भैंस बुद्धि बने खर बुद्धि, जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं, देह को ही याद करती रहती है, देह के ही चित्र लगाती रहती है।
दूसरों को भी समझाती है ब्रह्मा का चित्र लगाओ। जैसे कर्म हम करेंगे हमें दे तब करेंगे। तो भैंस बुद्धि से क्या कौन पैदाइश होगी? असरों की पैदाइश होगी। बोलते मृत्यु मतलब शाश्वत सत्य है, तो आत्मा सत्य है या मृत्यु सत्य है? मृत्यु शरीर की होती है या आत्मा की होती है? आत्मा की थोड़ी मृत्यु होती है। तो परम सत्य तो आत्मा ही है। अच्छा, परम सत्य मृत्यु है। शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु जो है, शास्त्रों की बातें क्यों तुम उठाते हो जब तुम्हें भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है? शास्त्र तो मृत्यु नहीं लिखे। दुर्गा देवी का पूजन में जो चार दिन उत्सव मनाते हैं, दुर्गा देवी के पूजन में चार दिन उत्सव मनाते हैं, सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी है। चार दिन क्यों मनाते हैं? चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, डूबी जा। अरे भगवान सदैव शाश्वत सत्य रहेगा। भगवान को छोड़ दिया और देवियों के पीछे लग गए तो अल्पकाल की प्राप्ति होगी या सदाकाल की प्राप्ति होगी? सारी दुनिया पागल हो गया उसकी जान। हाँ, जो पीछे वाले हैं वो अभी देवियों के पीछे पागल हो रहे हैं या भगवान को जानते हैं? भगवान की वाणी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, जलने चलते चलते फंस गए। क्यों नहीं आ रही है? अंत में आवाज निकलेगा ना। जब चारों तरफ से आवाज निकलेगा तो आंखें नहीं खुलेंगी कि हमने सच्चे रास्ते को छोड़ दिया। बाबा, आज की मूवी में बोला है विष्णु बच्चा लड़ लड़ बच्चे, लड़ का मतलब बच्चा, कृष्ण बच्चा, शत्रु बच्चा, लड़ बच्चा है। हाँ, लाड शत्रु को कहा जाता है। लॉर्ड का मतलब, लाड का मतलब है लैंड लॉर्ड। लॉर्ड माने जमीन का जो स्वामी होता है, मालिक होता है, उसको लैंड लॉर्ड कहते हैं। और छोटा बच्चा थोड़े जमींदार होते हैं। यहाँ बेहद के लैंडलॉर्ड की बात है। लैंड कहा जाता है धरणी को, धरणी कहा जाता है धारणा शक्ति को। धारणा शक्ति कन्याओं माताओं में ज्यादा होती है, इसलिए कृष्ण के साथ कन्याएं माताएं दिखाई जाती हैं गोपियों के रूप में। उन्होंने फिर स्कूल लैंडलॉर्ड समझ लिया है। दो जन्म ले रहा उन्हीं लोग से सभी प्रभावित हो गए क्या लास्ट में? जो बाबा आज की बात करेंगे आपके लिए जो है, मतलब ये जो साई सब से आवाज फैलेंगे तो ऐसे तो जो पुराना आत्मा है सब तो थक चुका है, लोग तो सुनते भी नहीं मानते। तो लोग कब से बोल रहे, जब रामदेव कहेंगे ऐसा ऐसा बात सभी मानेंगे ना साई तरफ से? उनको ही माननी पड़ेगी। उनके अंदर तो और ही पहले से बीज पड़ा हुआ है। जिनके अंदर नया नया बीज पड़ता है उनके लिए तो नई बात, लेकिन जिन्होंने पहले ही उस सच्चाई को समझ रखा फिर अपनी कमजोरी के कारण छोड़ दिया तो उन्हें एहसास तो होगा, पश्चाताप तो होगा। इसका मतलब अभी अभी जो जितना दुनिया का ऐसा हीरो होता है, ये लोग जब चाहे तब से बताएंगे कि यही असली हीरो है, इसका मतलब परमात्मा आते हैं, यही है
सब टाइटल आज कर जाएंगे, सभी प्रस्तावित होंगे जो पहले छोड़ के बाहर फंस गए। के अंदर पहले ही सच्चाई का बीज पड़ा हुआ है, वो उन्हें स्मृति तो आएगी, अखबारों से, रेडियो से, टेलीविजन से, चारों तरफ से जब आवाज निकलती है तो आदमी सामाजिक प्राणी होने की वजह से उसके प्रभाव में बह जाता है। बाबा तीन मूर्ति चित्र में जो पहले दिखाया है सेवो फॉर्म जो आए थे पहले, तो वो तो पुरुष चोला थे और जगदम्बा और छोटे वो भी नारी चोला थे, लेकिन अभी भी फिर वही चोला मिला है, नारी चोला और पुरुष चोला थी। और जो 300-400 माता करना आए थे वो क्या अभी नारी चोला लेकर आई है? कोई जरूरी नहीं, तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये तो आए ना गजब। लेकिन ये बताया कि दूसरा जन्म मिल सकता है, स्त्री का मिल सकता है या दूसरा जन्म पुरुष का भी मिल सकता है। दोनों तरफ पुरुष चोला ही मिला है। कोई आत्मा इस संसार में ऐसी भी तो होगी जो ज्यादा से ज्यादा जन्म पुरुष के लेती हो, होगी या नहीं होगी? जब ये नियम बना हुआ है कि 63 जन्मों में दो जन्म लगातार स्त्री के हो सकते हैं या दो जन्म लगातार पुरुष के हो सकते हैं, तो कोई जन्म लेने वालों में कोई ऐसा भी पाठधारी हो सकता है जो लगातार दो जन्म पुरुष के और एक जन्म स्त्री का, दो जन्म पुरुष के और एक जन्म स्त्री का, उसमें पुरुषत्व की वृत्ति ज्यादा हुई या नहीं हुई? पुरुष माने आत्मा, आत्मिक स्थिति धारण करने की पावर या मात्रा ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? ज्यादा हुआ। और कोई फिर ऐसे भी होंगे कि दो जन्म स्त्री के एक जन्म पुरुष का, फिर दो जन्म स्त्री के, फिर दो जन्म, माना पांच तत्वों की ओर आकर्षण ज्यादा रहता है देवान की तरफ, और आत्मिक स्थिति की तरफ आकर्षण कम रहता है। इसलिए बोला मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। बाबा गीता में लिखा है कि मतलब इन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए है, बोले उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। हाँ जी, तो वो दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो? गीता नेत्र दिव्य दृष्टि नहीं है, गीता नेत्र दिव्य दृष्टि है या साकार दृष्टि है? दिव्य दृष्टि साकार आंखों की साकार दृष्टि है और तीसरे नेत्र की दिव्य दृष्टि है। बाबा ये जो अमीर आ जाते हैं तो आपने को मतलब डाइट मतलब अपना ऊपर नहीं करा जाए जैसे दुनिया में हम लोग को मामा जाता चाचा को बाड़ी जब जाते हैं तो उसमें सही दो बार एक उठ जाते हैं ऑटोमेटिक, और इसमें जो बाबा को याद करने का टाइम क्या होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका अपना को दायित्व नहीं, जो बाबा आया हुआ है कि अमृत वाला करना है, मनन चिंतन करना है, अलबेलापन है ना, अलबेलापन के साथ आता है। ऐसे देखते दुनिया में काम के लिए उठ उठ जाता है, क्योंकि बस 200 रुपया मिलेगा तो बस चीज फूट गया। अरे बाबा को याद करने बोलो तो सो जाता है। महत्व का पता नहीं है ना, बात की पहचान है नहीं ना पूरी। कोई कोई आत्मा ऐसे होता है प्योरिटी है, पवित्र है इस जन्म में, लेकिन उसको याद में बैठा तो सो जाता, उन्हें कोई चिंता नहीं। ब्रह्म कुमारी अभी दो नहीं रही है, जो विजय माला में निकलने वाली ब्रह्म कुमारियाँ है वो सो रही है या जग रही है? सो रही है, सो रही है, एडवांस में भी सो रही है, लेकिन एडवांस में जो विजय माला की है वो नहीं सो रही होगी। एडवांस में विजय माला है बाबा, तो एडवांस के जो विजय माला जो आपको विजय माला या चंद्रकांत का
और रजनी कही है ना, रजनी क्या माता, वो जो जो उनका माता रजनी किसे कह दिया पता नहीं, नाम पता नहीं मेरे को, नाम तो पता नहीं होता। कहाँ से आ गया तुम्हारे मुँह में, सुना है और ये पता चला जो उनके माता भी हो सकते सूर्यवंशियों की माता होगी वो सूर्यवंशियों के अंदर होगी या चंद्रवंशियों में होगी, और सूर्यवंशी होंगे सूर्यवंशी का माता, जैसे देवी देवता को माता है, हरे देवी देवता का माता है, अभी बैलन की बहन है क्या बोल रहे हैं, और हरज मतलब वो देवी देवता का माता है, तुम्हें तो सब पता है, धड़ाधड़ नाम बताते चले जा रहे हैं, सुनते जाता है बोलते जाता है भाई लोग तो सुनते भी जाए, सुना भी पड़ता है ना, तुम सुनाई बातों में विश्वास कर लेते, ये तो आत्मा परमात्मा बात भी हम सुने हैं, फिर मैं आत्मा है सुन के ही। हाँ जी, अरे मैं तो ये भी नहीं जानते थे मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ या शरीर, समझा तो सकते हो आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, अभी हम समझा सकते हैं, लेकिन ये बात ना पहले ये बात समझा सकते जो नाम लिए, हाँ ये बात समझा सकते दूसरों को, जरूर जब कुछ घटा तो कुछ घटा भी है ना, नहीं समझाने की बात, नाम लिए हैं उन नामों को सिद्ध करके दूसरों को समझा सकते हो, अपना माँ बाप का नाम तो हम बता देते हैं, जो अगर दूसरा नहीं माने हमको तो मानना पड़े, हम भी नहीं माने, की माता चंद्रवंशियों की माता और पिता, इस्लाम वंशियों के माता और पिता, बौद्धियों के माता और पिता, ये रुद्रमाला के अंदर से ही निकलेंगे या बाहर से निकलेंगे, अंदर से ही निकलेंगे, तो बोलो शंभुनाथ, शंभु शंभु का मतलब होता है स्वयंभू, क्या जो स्वयं उत्पन्न हुए, कोई ने उत्पन्न नहीं किया उनको, जैसे बाबा ने बोला कि बाप दादा तुम बच्चों के पार्ट को नहीं बतावेंगे, तुम अपनी चलन से अपनी दृष्टि से वृत्ति से कर्मों से अपने आप अपने को प्रत्यक्ष करेंगे, अपनी बात आगे, तो स्वयंभू हुए या कोई दूसरे ने पैदा किया, स्वयंभू हुए, तो जितने भी स्वयंभू हैं स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं उन शंभू को नाथ स्वामी, स्वयं पैदा होने वालों का स्वामी वो शंभू नाथ कहा जाता है, बाबा काम चादर कौन नाम करता है, तो भारत भारत के नाम किस काम कर रहा है, भारत और भारत भारती माने भारत माता, और भारत भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में जो रत रहे लगा रहे, माना मनन चिंतन मंथन में ही जिसकी बुद्धि चलती रहे वो हो गया भारत, के मुकाबले जो विपरीत चिंतन में लगे रहे माना परिचिंतन में लगे रहे, ये ऐसा करता है वो वैसा करता है, ये ऐसा क्यों करता है वो वैसा क्यों करता है, वो विदेशी हो, वो भारतीय हो गए और वो विदेशी हो गए, अरे जब नियम बना हुआ है जो जैसा करता है उसको वैसा रिजल्ट मिलना है या नहीं मिलना है, तो हम अपना सत्यानाश क्यों करें, हमारे फैसला करने से कुछ हो जाएगा क्या, পরমেশ্বর পাঠ করে পরমেশ্বর পাঠ
बहुत ज्यादा परमेश्वर और परमेश्वरी अच्छा परम ईश्वर माना शासन करने वाले पुरुषों में जो परम है उसका नाम पड़ा परमेश्वर और शासन करने वाली स्त्रियों में जो परम है उसका नाम पड़ा परमेश्वरी अर्थात जगदम्बा क्यों क्या मर गई क्या बात तो अभी भी चल रहा है आदमी जिंदा है तो पाठ चल रहा है मृत्यु हो जाए तो पाठ खत्म हाँ जी बोला मम्मा घूंघट के अंदर है तो ये भी तो पाठ है कि नहीं है जब आप उठाएंगे और क्या नहीं अपना तो खुद ही निकल आएगा पाठ जब खुद ही निकल के आएगा अपना पाठ खुद ही निकल के आता है आप तो बोला बाबा ने तो बोला जब शादी वादी होती है और घूंघट चलता है तो घूंघट अपने आप उठता है या कोई उठाता है ससुराल वाली सासू वगैरह आकर के घूंघट उठाती है कि नहीं उठाती ये परंपरा कहाँ से चली असली चेहरा सामने आए नकली सूरज छुपी रहे उसी को कहते हैं घूंघट उठाना और जो दादा किसी का जन्म हुआ है तो वो स्कूल होगा कि और कोई किसका और स्कूल में दादा एक राज और जन्म लेने का बात है कहाँ जन्म लेंगे साकार शरीर के रूप में साकार शरीर के रूप में सतयुग में जन्म लेंगे या संगम में जन्म लेंगे सतयुग का जन्म सतयुग में होगा संगम का जन्म जिसका शास्त्र में गायन है कृष्ण के साथ कंस कंसी जरासंधी के साथ जिस कृष्ण का गायन है संगम युगी का वो संगम युग में जन्म लेगा कृष्ण आत्मा तो एक ही है लेकिन शरीर का नाम गाया जाता है आत्मा का नाम नहीं गाया जाता एक ही आत्मा ऐसी है जिसका नाम आत्मा के ऊपर पड़ता है कौन शिव उनकी बिंदी का ही नाम शिव है और जितनी भी आत्माएं हैं वह जब शरीर धारण करें तब उनका नाम पड़ता है संगम की कृष्ण में शरीर किसका है राम वाली आत्मा के इसलिए वो संगम की कृष्ण है वो सती की कृष्ण है नाम नहीं बोला गया मुरली में ये बोला कोई से 50 साल भी कम हो जावे नहीं जन्म संपूर्ण जन्म हो गया ब्राह्मण के रूप में या अधूरा जन्म हुआ हुआ क्या अधूरा हुआ क्या ब्राह्मणों का जन्म कब माना जाता है उनको कहते हैं द्विजन्मा द्विज क्यों कहा जाता है दो बार जन्म होता है तब उसे पक्का ब्राह्मण कहा जाता है तो 98 में जो हो गया 18 जन्म वो 15 अगस्त और जन्माष्टमी के दिन वो तो है सच्चा जन्म ब्राह्मण का और जब 3 देवताओं का पक्का परिचय बुद्धि में बैठ जाए तब कहेंगे पक्का ब्राह्मण दुनिया का और क्या
राधा कृष्ण और राधा कृष्ण जैसा बच्चों का साकार स्वरूप में जन्म कौन से साकार जन्म सती भी होगा या संग में भी होगा या कलयुग भी होगा या द्वापर युग भी होगा सतयुग में ही होगा। सतयुग का जन्म सतयुग में होगा। पहला पत्ता है सती का, तो जो सती का पहला पत्ता होगा वो सतयुग से नहीं सती शुरू होगी या संगम युग में होगी। संगम युग में शुरू होगी तो वो ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण हुए जो सैंपलिंग लगाने वाले या सैंपलिंग में आने वाले। 2018 के फर्जी शुरू हो गया तुम्हारे लिए हो सकता है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो नई दुनिया कहाँ पर वो परिवार तैयार हो रहा है जहाँ से प्रत्यक्षता होनी है, संबत एक की शुरुआत होनी है। 2023 में 9 लाख की आबादी नहीं होगी। 9 लाख की आबादी 2036 में ही हो जाए तो जो 2036 के बाद पहला जन्म सतयुग का शुरू होगा वो पूरा होने पर कितनी आबादी हो जाएगी? 2036 में सतयुग का महाराजा महारानी नहीं होता है। जब दुनिया का विनाश हो गया तो महाराजा महारानी कहाँ रहे? तो दुनिया का ही विनाश हो गया। और सतयुग में महाराजा महारानी की दरकार होती है क्या? वहाँ कोई कंट्रोल करने वाला होता है क्या? अनुशासनहीनता होती है क्या? अनुशासनहीनता होती ही नहीं। सब यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सत्य स्वतंत्र है। थोड़ा फाउंडेशन तो जब दो कलाएं कम हो जाती है तभी पड़ जाता है। इसलिए चित्रों में दिखाया हुआ है राम सीता छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं गद्दी पर और लक्ष्मी नारायण को खड़ा हुआ दिखाया गया सती हुए। कोई गद्दी वगैरह नहीं है। प्रत्येक धर्म का धर्म पिता है, प्रत्येक धर्म का धर्म पिता है। हिंदू धर्म का धर्म पिता हिंदू धर्म का हिंदू धर्म की स्थापना के 30,000 हुई है। हिंदू धर्म अपना आदि कहा देवी धर्म धर्म है प्रत्येक धर्म का पिता है। अपना हिंदू धर्म का हिंदू धर्म है क्या? हिंदू धर्म कोई है ही नहीं। धर्म होता तो उसका धर्म पिता का नाम होता। ये तो विदेशियों ने हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम हिंदू रख दिया। दूसरों के धरे हुए नाम को हम क्यों स्वीकार करते हैं? हाँ संगम युग में नहीं हुआ लेकिन पतन हो रहा है। एक ही जन्म में हो जाता है, एक सेकंड में भी हो जाता है। एक सेकंड में ब्रह्मा विष्णु उत्थान हो गया। बुद्धि में बात बैठने की है। अभी बुद्धि में बात बैठ जाए पक्की एक क्यों बाबा दूसरा न कोई तो घर लौट के जाओगे? नानक से श्री धर्म आया लेकिन उसका नाम नानक धर्म नाम होते धर्म क्यों? हर धर्म वाले को जितने विदेशी हैं उनको सबको सिखाया उसने। मुकाबला सबसे जाते हिंदुओं ने किया है या सिखों ने किया है विदेशियों से? सिखों ने किया।
स्थापना तो सारी दुनिया का बीज है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती है। इसलिए मुरली माया भारत इस समय पूरा नास्तिक है। नास्तिक किसको कहा जाता है? नास्तिक माने जिसकी कोई के ऊपर आस्था हो। क्या? कोई साकार के ऊपर आस्था हो उसको कहा जाता है आस्तिक। और जिसकी कोई साकार के ऊपर आस्था न हो सब झूठे हैं। कोई की बात न माने उसे नास्तिक कहा जाएगा कि आस्तिक कहा जाएगा? नास्तिक हो गया। इसको माला में नहीं आता है? है माला में कहाँ आता है वो? तो हमारी आपका माला में तो अष्टदेव का पहला अष्टदेव होता है। अभी माला में आने की क्या दरकार? जब तक शिव बाबा, शिव बाबा तो फूल है माला से भी ऊपर। लेकिन माला में तो आता है वो माला से भी ऊपर है, मणका नहीं है माला का। माला से ऊपर जो माला का पहला माला से ऊपर जो फूल होता है वो मणकों में नहीं गिराया जाता है। तो शिव बाबा तो शिव बाबा भारत जो है वो तो शिव बाबा नहीं है, वो तो रामा ही आत्मा है। लेकिन ये आपकी मेंटलिटी है। जो सूर्यवंशियों की मेंटलिटी है वो उसी को शिव बाबा मानेंगे। वो अलग अलग नहीं मानेंगे। शिव अलग है, बाबा अलग है, ऐसा उनकी बुद्धि में होगा ही नहीं। जो शिव है वो ही बाबा है, जो बाबा है वो ही शिव है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय अरे भव संभव खेदा। जो आत्मा और शरीर दोनों का मेल हो गया तो आप उसे आत्मा कह दो तो कोई बात, देहधारी कह दो तो कोई बात, है तो एक ही पर्सनालिटी। लेकिन एक ही व्यक्तित्व में, एक ही व्यक्तित्व में तीन आत्मा है, शिव राम एंड कृष्ण। लेकिन अधीन कौन सी है? कृष्ण वाली आत्मा अधीन है। अब रही राम और शिव की आत्मा, राम और शिव की आत्मा। हाँ, राम और शिव की आत्मा में आधे कौन है और अधीन कौन है? आधे है शिव, आधे में आधार में जो रहते हैं वो है, आधार में जो रहते हैं वो तो शिव है, और आधे है राम वाली आत्मा है। तो राम वाली आत्मा जो है उसके द्वारा शिव जो कार्य कराता है उसकी जिम्मेवारी लेता है या नहीं? तो फिर दूसरे को समझना ही बेकार हो गया। जब हर कर्म की जिम्मेवारी ऊपर वाले ने ले ली तो वो क्या हो गया? वो ही हमारे लिए सब कुछ हो गया। लेकिन जो माला में देखा था बाबा, एक फूल देखा था है, फूल अलग दो देखा था है और माला देखा था है। दो दिखाए जाते हैं इसलिए कि जो 108 मणके हैं वो सब युगल है। कोई मणका ऐसा नहीं है जो युगल नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में जो 108 कोठरियां दिखाई गई है वो सब कोठरियां ये दिखाई गई है कि ये सब प्रवृत्ति मार्ग वाले बैठे हुए, कोई निवृत्ति मार्ग वाला नहीं है। तो दो मरे युगलों का माला है, युगलों की माला है। रुद्र माला में युगल मणका नहीं होता, रुद्र माला में युगल मणका नहीं होता, और विजय माला में युगल मणका दिखाया जाता है ऊपर, वो सैम्बुल है सबका। तो रुद्र माला में दो नहीं दिखा गया है? रुद्र माला में युगल मणका नहीं होता है। लेकिन हम लोग जो माला दिखते है एक ही माला दिखता है, जो विजय माला अलग है, 8 है, 108 ऊपर में 2 है ना, वो विजय माला है। वो विजय माला हाँ जी। और दूसरा माला कैसा होता है? उसमें कोई 2 दाना नहीं दिखाएगा ऊपर में? उसमें सिर्फ फूल होता है ऊपर, और दो दो दाना इकट्ठा नहीं होता है। रुद्रमाला और विजय माला अलग अलग नहीं है क्या? रुद्रमाला छोटा छोटा, रुद्रमाला अलग होती है और विजय माला अलग होती है। विजय माला अक्सर करके तुलसी की पेड़ से बनाई जाती है,
चंदन के पेड़ से बनाई जाती है विजय माला, और जो रुद्र माला है वो रुद्राक्ष के मणकों से बनती है, जिसमें अनेक प्रकार की आत्माएं प्रवेश करती हुई दिखाई गई, एक एक में ढेर ढेर प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो रुद्राक्ष तो माला में 108 है, ऊपर में फूल है, एक फूल है बस, जोगन मरता नहीं है वो, सांप अकेले है नहीं अकेले, अब अभी उनको उनकी जोड़ी मिली है क्या? हम क्या बोलते हैं जो पहला जो दाना है, पहला दाना तो रामली आत्मा है, तो रामली आत्मा जो पहला दाना है तो आप ही बोलते हैं जो भारत इस समय पूरा ही नास्तिक है, तो नास्तिक तो माला की दाना में नहीं आता है, वो जितने भी है वो सारे ही उसी हिसाब से नास्तिक है। क्या कोई पूरी सीमत पर चलने वाले हैं? सारे नास्तिक, राजा का राज्य होता है, उस राज्य में जितनी प्रजा होती है एक राजा की बात मानने के लिए बाध्य होती है कि नहीं होती है? बाध्य होती है, नहीं तो निकलो बाहर। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, अभी नास्तिक है, अभी नास्तिक है। हाँ जी, नंबर वन नास्तिक, नंबर का नास्तिक, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नास्तिक है, बिल्कुल नास्तिक एक, 100% नास्तिक एक और बाकी परसेंटेज है। राम वाली आत्मा रावण नहीं बनती है, अरे माला सिंगल ऐसे है कि एक शिव बाबा के आधार पर बने हुए हैं, बाकी आपस में बंधे हुए नहीं है, आपस में किसी की मानने वाले नहीं है। बनना हो तो राधा आकर के नारायण की बन जाए, राधा आकर के कृष्ण की बन जाए, लेकिन कृष्ण झुकने वाला नहीं है। ज्यादा ही होता है, हमको पता लगता है। रुद्रमाला के दाने विजय माला में ऐड किए जाएंगे जब योग्य बन जाएंगे, तभी तो दाना बनेगा, माला का मुंह का बनेगा। हाँ जी, तो दोनों युगल मन का बनेगा, युगल मन का। संगम पर ही बनेंगे, माला की बात संगम की है या सतयुग की है? शास्त्रों में जो भी बातें आई हैं वो संगम युग की बातें हैं या सतयुग की बातें हैं? संगम संगम की बातें हैं। वैकुंठ में होगा बाबा, एक दूसरे का नौकरी आ जाएंगे। बुद्धि योग की बात है या शरीर की बात है? बुद्धि तो शिव बाबा के साथ लगा रहेगा, लक्ष्मी नारायण को दिखाई बुद्धि शिव बाबा के साथ है, मन बुद्धि लक्ष्मी नारायण की कहाँ शिव बाबा के साथ दिखाई गई? लक्ष्मी अलग त्रिमूर्ति की, त्रिमूर्ति का योग जो है वो बुद्धि योग की डोरी शिव के साथ दिखाई गई है, लक्ष्मी नारायण की बुद्धि योग की डोरी शिव के साथ नहीं दिखाई गई। लक्ष्मी की जो स्टेज है वो अलग है और जो संगम युग की स्टेज है वो अलग है। और संगम भी जो लक्ष्मी नारायण है दोनों दोनों को तो बाजू बाजू में देखा है बाबा, तो मन बुद्धि का बात नहीं है, दोनों को देखा वो बुद्धि योग के सबसे नजदीक है,
लेकिन मूर्तियों को कैसे दिखाया जाए? लेकिन मूर्ति में जो देखा है लोग, हाँ मूर्ति में जो दिखाया गया है वो नजदीक इसीलिए दिखाया गया है कि बुद्धियों को उनका बिल्कुल नजदीक है, वो और किसी को सपोर्टिव बात नहीं करेंगे, जगदम्बा के लिए सपोर्टिव बात नहीं करेंगे, गंगा के लिए सपोर्ट वाली बात नहीं करेंगे, यमुना के लिए सपोर्ट वाली नहीं बात करेंगे, लक्ष्मी नारायण को सपोर्ट करेगी, नारायण लक्ष्मी को सपोर्ट करेगी, लेकिन जब ज्ञान मिल जाए तब। आपने जो भी बोला बाबा ये कौन किसी से किरोइंगे मालूम पड़ेगा कौन चीज का चोरी है, वाइब्रेशन का पता नहीं चलता है, ऐसा आना ऐसा पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी समझ लेते हैं ये हमारा हितैषी है, ये हमारा दुश्मन है, वो तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा है। तो और जोड़ी को अपना युगल का बढ़िए पाता तो चलेगा संगम कुछ मिला जो नहीं पता चलेगा, ये बुद्धियों का ही के लिए मिला तीसरा नेत्र, तो तीसरा नेत्र से बुद्धि योग से पता चलेगा, लेकिन नोटिक नहीं आएगा जब तक छोटी नहीं होगा। जानवर बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धि और दैवीय बुद्धि में अंतर होगा या नहीं होगा? होगा। जानवर जब नजदीक आता है तभी आकर्षण पैदा होता है उसको, और मनुष्य को दूर दूर कहीं भी चला जाए तो भी आकर्षण बना रहता है। अगर नौ रत्न जो है उसमें आठ मूर्ति हैं जो अष्टदेव हैं और एक को सजा खानी पड़ती है, अष्टदेव को सजा नहीं खानी पड़ती है, बाबा किसमें अष्टदेव में या सजा खाने वालों सजा है ना, राम रावण बनता है ना इसलिए सजा नहीं खाएगा। अच्छा तो ये भी प्रश्न पैदा हो गया, राम वाली आपको सजा क्यों मिल जाए? राम वाली आत्मा तो जब से यज्ञ में आती है तब से लेके अंत तक सजा ही खाती रहती है, सजा ही खाती रहती है, सजा नहीं है। तो बाबा भी प्रश्न पैदा होगा। अरे वो तो माला है गोल गोल, अब एक नंबर कहाँ से शुरू करो? संत को ये मध्य ब्रह्म पैदा किया गया, आठ बच्चे पैदा होंगे, जो आठवां बच्चा होगा तेरा काल होगा, तो वसुदेव देव की इनका आठवां ही मार देना ना। तो नारद जी ने आके दिखाया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसमें एक कौन सा है? कोई भी एक हो सकता है, जहाँ से गिनना शुरू करो वही एक होगा, आखिरी आपको आठवां होगा, वो इंद्रा तुम्हारा। नवरत्न उनमें एक है वैल्यू ले, नवरत्नों में एक है वैल्यू ले, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उस ज्ञान रत्न की वैल्यू नहीं, और फर्स्ट की वैल्यू होगी कि नहीं? अरे ना ना बताओ तो, राम के साथ लक्ष्मण को दिखाया जाता है, जैसे लक्ष्मण को बहुत धर्म क्या करते हैं लेफ्टिस्ट में आगे अलग चला गया, वो फिर आदो अलग हो गया,
वो रैक्टिस नहीं रहा। जो राम वाली आत्मा है, सूर्यवंशी है, वो राइटियस है या लेफ्टिस्ट है? तो लेफ्टिस्ट में नंबर वन कौन? तो नंबर टू कौन? नंबर वन के साथ ही नंबर टू रहेगा ना, इसलिए राम और लक्ष्मण को साथ सिखाते हैं। सुख और अतेंद्रिय सुख में फर्क है। और क्या, सुख देह का भी होता है, इंद्रियों का भी होता है, और सुख इंद्रियों से परे का भी होता है। कभी मन में ऐसी उमंग उत्साह, ऐसी खुशी करती है कि इंद्रियों के सुख को आदमी त्याग देता है। मन में ऐसा दिन आएगी जो एक ही खड़ा रहेंगे और सब फिर जाएंगे, तो जीने का कारण क्या होगा? पाप कर्म, सौगुना बोध। तुम अभी ज्ञान में चल रहे हैं, तो ज्ञान में चलते चलते सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके नीचे गिरना होता है या नहीं होता है? पाप कर्म कर लेते हैं, परचिंतन कर लेते हैं, नीचे गिर जाते हैं। पाप कर्म बनता है, सौगुना बोध चढ़ जाता है। लौकिक दुनिया अच्छी थी, वहाँ एक गुना बोध चढ़ता था, और यहाँ बार बार मना करने पर कि बाप आया हुआ है, धर्मराज आया हुआ है, तो वो काहे के लिए लफड़े में पड़ रहे, फिर भी उसी लफड़े में पड़ते हैं। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है? अरे बाप सबकी जिम्मेवारी ले रहा है, तो वो काहे के लिए फंस रहे? तो सौगुना बोध चढ़ा कि नहीं चढ़ा? परचिंतन पतन की जड़, ये बांध से जड़ ये पतन होता है। देहदारियों को याद किया और पतन हुआ। तो एक के अलावा आप सब गिर जाएंगे, तो उस समय योग का हाल क्या है? उस समय योग का हाल कैसे? यज्ञ का हाल कैसा होगा? हाल ऐसा होगा कि अव्वल नंबर मन का क्लियर हो गया, फिर दूसरा नंबर क्लियर होगा कि नहीं, फिर तीसरा भी क्लियर होगा, चौथा भी क्लियर होगा, ऐसे 108 क्लियर हो जाएंगे, फिर 1008 भी क्लियर हो जाएंगे, 2108 भी क्लियर हो जाएंगे। तो जो जहाँ है वैसा फिक्स हो जाए। हाँ, बदला न लो, बदल के दिखाओ। और बोलते हैं जो गिरा हो और मत गिराओ, ठीक है? एक गिरा हुआ है उसका पीछे से क्या और एक लात मारेगा? तो वो तो होना नहीं चाहिए। जो लात मारेगा उसे लात, जो लात मार रहा है उसको उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये किसका दरबार है? जरूर मिलेगा। ये दरबार किसका है? भगवान का दरबार है, उसको फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी तो बोला जी चेक करो है? और चेक करो है, फिर एक दूसरे को चेक करना, दूसरे को चेक करना नहीं बोला कहीं भी, दूसरे को चेक नहीं करना, अपन को चेक करना, अपन को चेक करना, लेकिन दूसरे को चेक रिपोर्ट करना, दूसरे को चेक करना माना पतन की जड़ ना। ये मुरली ने बोला जे ब्राह्मणी और ब्राह्मण कुछ उल्टा सीधा कर्म करे तो बाबा को रिपोर्ट करो, तो चेक नहीं करेगा, देखेगा नहीं तो रिपोर्ट, रिपोर्ट करने के बाद रिपोर्ट करने के बाद फिर रिपोर्ट करने के बाद चुपचाप रहो, आगे बढ़ो, बस खत्म। तो करते रहो रिपोर्ट, अन्याय जो करते हैं उसको भी पाप होता है, अन्याय जो सहन करता है उसको भी पाप होता है। नहीं नहीं, ये दुनिया का महावाक्य है, ये मुरली में कभी नहीं बोला है। अन्याय को सहन करना माना आत्म की स्थिति में रहना, माना अन्याय को सहन करना। साक्षी होकर के देखो, एक बार बता दिया ये गलत काम है, श्रीमत के पर खिलाफ है, दूसरी बार बता दिया, तीसरी बार बोलने की भी दरकार नहीं, उसका अंजाम देखो क्या आता है। दूध का दूध और पानी का पानी होता है या नहीं होता है? और एक बात सुना, जैसे बहुत लड़ा लो बदल कर दिखाओ, एक सुना और एक सुना,
उसे भीष्म माना जाता है। अब एक बात को तो हल कर लो, बदला ना लो, बदल के दिखाओ ना। जिस से बीच माना जाता है और लोहे से लोहे काटा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ये बीच उतना पावरफुल होना चाहिए। बीच से बीच मारा जाता है, मैंने शंकर जी का जितना विषैला विष है, इतना विषैला विष और कोई का होगा? फिर काला सांप होगा, काला भुजंग फन वाला सांप होगा, वो ज्यादा तीखा होगा, या जिसको फन ही नहीं है और काला ही नहीं है वो ज्यादा तीखा होगा, उसका भी किसको मारेगा? ये भी तो देख लो, कहीं ऐसा ना हो हमें हम खुद ही डरे रह जाए। नौ ग्रह आपस में टकराएंगे, कौन सा बचेगा? है? अरे कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, सब खलास हो जाएंगे। एक ही बचेगा तो अंजाम क्या होगा फिर टकराने का? औकात तो देख लेनी चाहिए अपनी। टकराएंगे और कैसे टकराते हैं? अभी टकरा रहे हैं, हम मानेंगे नहीं। कोई होते हैं प्रयोगात्मक जीवन वाले और कोई होते हैं क्षय की त्वरित से ही समझ लेते हैं। भगवान आके पढ़ाई पढ़ा रहा है, मान लेते हैं हाँ ठीक है ऐसे ही चलेंगे, बोलते नहीं ऐसे नहीं मानेंगे, हम करके देखेंगे। तो कौन सा जीवन अच्छा? जो नवग्रह था बाबा, बाहर का जो स्कूल नवग्रह है वो भी ठीक चौक रहेंगे? हाँ, वो बाहर के हैं, जो अंदर के हैं। तो बाहर का जो बाहर के जो नवग्रह हैं वो सिर्फ एक तरह का उदाहरण है, असली बात है चैतन्य ग्रहों की। होगा क्या? हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ग्रह युद्ध देखने में आ रहा है, अंदर अंदर आग सुलग रही है। उनमें दो पार्टी है मुख्य, एक है लेफ्टिस्ट पार्टी पाकिस्तान और एक है राइटियस्ट पार्टी भारत, बाकी उनके सहयोगी धर्म है, कोई राइटियस्ट में है कोई लेफ्टिस्ट में। तो इसका आधार पर जो बाहर का जो नवग्रह है, बाहर का जो ग्रह है, बाहर के हैं तो ही अंदर के हैं, जो अंदर के हैं तो बाहर के, वो पांच तत्वों वाले हैं, ये इनकी आत्मा में पांच तत्व भरे हुए हैं। टकराना बंद नहीं हुआ तो माला का दाना कैसे बन गए? ब्रह्मा को फॉलो करना है या शंकर को फॉलो करना है? शंकर को फॉलो करना है। प्रैक्टिकल कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और बात शिव बाबा की माननी है, दोनों का ही विरोध, नुकसान होगा फायदा होगा? ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है या प्रजापिता का दिन और रात गाया हुआ है? ब्रह्मा का गाया हुआ, ब्रह्मा की बात हो रही। सागर को की पालना लेना सही है या सागर को अव्यक्त में हम सागर का मिलन महसूस करना हो जाता है? अव्यक्त मिलन महसूस करना तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे यदि हम घर बैठे हैं टीवी के सामने, हमको महसूसता हुई कि बाबा जी मुझे चला रहे हैं टीवी के सामने, ये आधार नहीं हो गया? ये अधिकार निराकार स्टेज है ऐसा, जैसे भक्ति मार्ग में होता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? चित्र को सामने रख करके ध्यान लगाते, वो बात अलग है, मुरली सुनने की बात अलग है। बराबर तो फिर सन्मुख मुरली फर्स्ट क्लास क्यों कह दिया बाबा? सामने हो सकती ना,
कान में सामने होकर के जो विमुख होते हैं वो तो बहुत बड़ा पाप हो गया, वो तो आस्तीन के सांप है। कहा हाँ वो सन्मुख नहीं हो सकता, सन्मुख जो है वो दृष्टि का वाइब्रेशन डायरेक्ट नहीं मिलता है टीवी में, और सन्मुख में दृष्टि का वाइब्रेशन डायरेक्ट महसूस होता है। और बाबा ये गोद में जाना या सही है या सही? किसकी गोद में जाना? बाबा गोद में जाए ये भी कोई पूछने की बात है? इसका मतलब तो जिसके विरोधी भी हो बाबा, फिर भी हम यदि पूरा आदमी की स्थिति में जा रहे हैं तो ठीक है, आदमी की पूरी है तो ठीक है, देवान जरा ये तो जाने वाले के ऊपर है, जाने वाले के ऊपर तब है जबकि ब्रह्मा का तन है, क्योंकि अम्मा का तन अम्मा का होता है और बाप का तन बाप का होता है। अम्मा सर्वशक्तिवान नहीं है और बाप सर्वशक्तिवान है। तो ब्रह्मा के कनेक्शन में जो जाएगा अपन को देह समझ करके उसका तो नुकसान होना ही होना है, लेकिन बाप के कनेक्शन में जो आएगा, बाप संपन्न है या अम्मा संपन्न है? बाप संपन्न है, तो संपन्न के सहयोग में जो जाएगा कनेक्शन में जाएगा उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। बाबा जब हम बम्बई में थे तो गले मिलने का बहुत मन हो रहा था और अभी ऐसा संभव नहीं आता। ये तुम्हारे अंदर कोई भूत प्रेत की प्रवेशता भी हो सकती? तो उस समय स्टेज बनी थी या अभी स्टेज बन? पहले सत्व प्रधान होता है कि बाद में सत्व प्रधान होता है? ऐसे ही है।